इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पूरे डिटरमिनेंट को ओपन करने पर यदि एक फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन मिलता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी। ये क्लियर है यदि मैं इसको पूरे प्रोसीजर से ओपन करूं और एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके आऊं तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को सिंपली ई की वैल्यू चाहिए। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों तरफ एक्स को जीरो पुट कर देता हूं। एक्स को जीरो पुट कर दूंगा तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा जीरो माइनस वन थ्री, वन जीरो माइनस फोर माइनस थ्री फोर एंड जीरो। आप देख सकते हो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर है, मतलब इसका ऑर्डर तीन है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। आपके ये देखना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव है और डायगोनल पे जीरो है, तो इसलिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर है। और ये आपको पता होगा, नहीं पता तो याद रख लो कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो एक्स को जीरो पुट किया तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई, ये सब भी जीरो बन गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और यदि बाय चांस कह देता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ऐसी सिचुएशन में मैं दोनों तरफ एक्स की वैल्यू वन पुट कर देता। लेकिन आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा, यदि मेरे को डी निकालना हो या सी निकालना हो या बी निकालना हो या ए निकालना हो तो क्या करेंगे। ए बी सी डी सबको निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन इस टाइम वो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मेरा जेई मेंस लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा ऑन द टॉपिक ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं जिनको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है, वहां से पीडीएफ फॉर्म में सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं सोल्यूशन की हर एक स्लाइड पे लगभग 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है सेकंड स्लाइड, ये है थर्ड एंड लास्ट स्लाइड।